अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयरों, मैं हूं आजाद चाय वाला। हमारे लोगों में पार्टनरशिप्स क्यों नहीं चलती, इसकी वजह मुझे कब से पता थी लेकिन मैं अल्फाजों में बता नहीं सकता था। यस्टरडे आई हैड अ कन्वर्सेशन, तीन चार हम लोग थे, किसी को एडवाइस कर रहे थे एंड वी वर एडवाइजिंग एंड देन द अल्फाज केम टू मी एंड आई थॉट कि आपको मैं बता दूं इन अ वीडियो। तो हमारे लोगों में पार्टनरशिप्स इसलिए नहीं कामयाब होती हैं, उसकी दो तीन वजह। नंबर वन, जब दो बंदों की पार्टनरशिप्स होती हैं तो वो कहते हैं जी 50-50 हमारी पार्टनरशिप है, एक ये वजह होगी। दूसरी ये वजह है कि हम सब फन्ने हान इन्वेस्टर बने फिरते हैं, ठीक है। आज तक 100% जो लोगों से मेरी बात हुई है जिन्होंने कहा है कि हमने पार्टनरशिप की है, मैंने ये कभी नहीं सुना कि कंपनी मैं चलाऊंगा और सारा काम मैं करूंगा और फिर मैं फलां फलां बंदे को हिस्सा दे दूंगा। जिस तरह यहाँ पे वेस्ट में होता है, वो इन्वेस्टमेंट लेते हैं और वो कंपनीज चलाते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसे देते हैं। 100% जो बंदूक को मैंने देखा उसने ये कहा, अगर एक दो तीन, अब यानी जितने भी तीन, एक तो जहर एक ही होगा, दो तीन चार होते हैं, वो दे ऑलवेज सेड टू मी, ये पोर्ट्रे किया कि मैंने जी इसमें पैसे डाले हुए, मैंने जी इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। यार अगर तीन चार बंदे हो और चारों के चारों कह रहे हो कि मैंने यार इसमें पैसे डाले हुए हैं, यार बंदे खुदा के चलाएगा कौन इसको? एंड दैट्स वेयर द फंडामेंटल ब्रेकिंग डाउन कम्स। हर बिजनेस ऐसे ही डूबता है। मैंने अंडों का बिजनेस किया, मैंने इसमें पैसे डाले हुए, यार नवाब साहब बैठे हुए एंड खुद दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, मैंने इसमें ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, स्कूल चल रहा है जी मेरा है ही नहीं। लुक, मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, राइट, बट मैंने आपको इन अदर वीडियो समझाया मैं किस तरह अपने इन्वेस्टमेंट करता हूँ। एंड मैं फिर दोहराए देता हूँ कि हाउ आई इन्वेस्ट एंड मैं इन्वेस्टमेंट तक कैसे पहुंचा। नंबर वन, जब आप जवान होते हो ना, फॉरगेट इन्वेस्टिंग, यू आर नॉट एन इन्वेस्टर एट दैट पॉइंट। अब रेवेन्यू जनरेशन पे गौर करो, रेवेन्यू जनरेट करो कि यार मुझे अगर रिक्शा चलाना है तो मुझे एक से दो किस तरह चलाने हैं, मुझे, यू हैव टू हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। अगर मेरी एक फ्रूट शॉप है तो मैंने बाजार के उस तरफ भी, वो भी मेरी होनी चाहिए, यहाँ पे भी होनी चाहिए, वहां पर भी होनी चाहिए। किसी द थिंग विच आई सेट अबाउट क्रिएटिंग ब्रांचेस के, यानी कोई ग्राहक आपके हाथ से ना जाए, यू फोकस ऑन रेवेन्यू क्रिएशन, माल इकट्ठा करके उसको उसका डेढ़ लगाना एंड क्रिएटिंग एसेट्स, नॉट इन्वेस्टमेंट्स। तो जब आप फर्जन 30-35 के पहुंचते हो या एनी टाइम जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो, आपको पता है कि यार आपकी दो चार पुश्तें खाएं और कुछ नहीं आपका फर्क पड़ेगा, तब जाके यू कैन बिकम एन इन्वेस्टर, ठीक है। तो अब मेरी इन्वेस्टमेंट देखो, मैंने आपको कई बार बोला कि यार मैं जब भी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता हूँ आई टेक 1%, या मैं हजारवां हिस्सा लेता हूं, या वाई एम आई टेकिंग सच अ शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, इतनी छोटी मैं क्यों ले रहा हूं। ऑब्वियसली मैं बड़ी बड़ी चीजों में लेता हूं, कई बार अगर वो बिजनेस मैंने खुद स्टार्ट किया, ठीक है, तो फिर तो ऑब्वियसली आई विल हैव अ बिग चंक। अगर उसमें मैनेजमेंट मैंने खुद डाली है तो फिर मैनेजमेंट को कुछ हिस्सा दे दूंगा, कई बार नहीं देता, कई बार दे देता हूं। बट व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग विद समबडी, कोशिश ये होती है कि जो बंदा उसको चला रहा है, जो उसकी मिठास है, वो बिजनेस से ना खींचो। अगर पूरे बिजनेस में 90% किसी और का होगा, 10% उसका होगा, और स्टार्ट भी उसने किया और पूरी की पूरी मेहनत भी उसने की है, देन ही इज नॉट गोइंग टू ड्राइव इट, उस तरह नहीं उसको दराएगा लाइक एन 100% ओनर इज गोइंग टू डू। सो आप क्या करते हो, यू हैव टू, एक तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट का, यानी अच्छे इन्वेस्टर का दिमाग ही ऐसा होता है कि ही नोज द पोटेंशियल ऑफ दैट। अब मैं एक बिजनेस में, एक रेस्टोरेंट में, एक चेन में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, ठीक है, और उनको वो फर्ज करो पूरी जो इन्वेस्टमेंट उसको, इतने सारे अभी उनके पास रेस्टोरेंट्स हुए हैं, 5-6 रेस्टोरेंट्स हुए हैं, तो उनको वहां तक पहुंचने के लिए फर्ज कर लो 2 करोड़ उनकी इन्वेस्टमेंट थी टोटल, ठीक है। लेकिन मैं उनमें 1% खरीदने जा रहा हूँ, सिर्फ 1%। मैंने मालिक से बात की, कहते हैं नहीं यार मैं बेचना नहीं चाह रहा, सो ऑब्वियसली मुझे हम पैसे की जरूरत नहीं है, सो आई हैव टू गिव अ ग्रोथ काइंड ऑफ, यार मैं पैसे के अलावा भी तुम्हें कोई चीज दे सकता हूँ, एंड दैट इज ग्रोथ विद लेस एक्सपेंडिचर, ठीक है। वो मुझे पता है हाउ मैं उसको कैसे दूंगा। सो उस तरह जब मैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आई एम उस चीज को मैं 5 गुना ज्यादा की वैल्यूएशन दे रहा हूँ। मैं 1 अरब रुपए की वैल्यूएशन दे के फिर मैं 1% उससे ले रहा हूँ, ठीक है, यानी उसको मैं 10 लाख दूंगा 1% खरीदने के लिए। एंड ठीक है, फिलहाल क्या होगा, वो जब अभी चीज चल रही है, अभी जो उसको प्रॉफिट आ रहा है, मुझे शायद 10-20-15 साल के बाद मेरी इन्वेस्टमेंट मिले, बट दैट्स नॉट व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन। आई एम फोकसिंग ऑन कि जब मैं अपने इसमें दाव डालूंगा और मुझे पता है कि इस ब्रांच की, अपना इस रेस्टोरेंट की पोटेंशियल ये है कि ये यूके में अलोन अगले 3-4 सालों में इसकी 300-400 ब्रांचेस हो सकती हैं, देन दैट्स व्हाट आई एम इन्वेस्टिंग इन, ठीक है, लॉन्ग टर्म। और अगर ये मैं 10 लाख इसमें डाल भी दूंगा, मेरी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई नो उससे मजीद मुझे क्या पता है कि जब मैं उसमें अपना हिस्सा डालूंगा, मेरी और आगे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और मेरी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी वगैरह वगैरह, ठीक है। और एंड दैट्स हाउ आई इन्वेस्ट, दैट्स हाउ बड़े लोग आई एम नॉट ट्राइंग टू से यार मैं बड़ा हूं, जो जब इन्वेस्टर बन जाते हो, दैट्स हाउ यू इन्वेस्ट।
आप लोग राइट नाउ यू आर थ्रोइंग योर मनी अवे और सबके सब क्लैप्स हो रहे हैं। मुझे पता है कि पाकिस्तान में फिलहाल आई एम ट्राइंग टू चेंज दिस, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उसको चेंज करने की। अब वो किस्सा सुनाया था जिस बंदे ने मुझे कहा कि जी मुझे भाई फोन शॉप खोल के दो, मैंने उसको बोला समोसे की रेडी चलाओ। आई वॉन्ट एवरी सिंगल पर्सन, ठीक है, मैंने इतने को पैसा डाला है ना, आई सीन कि मैंने गलती की है, मैंने खुद उनको लाचार तो नहीं कहते हैं लूले बनाया है, उनको मैंने उनको जाती नुकसान पहुंचाया बाय एक्चुअली गिविंग देम इन द इन्वेस्टमेंट व्हेन दे हैड नो एक्चुअल बिजनेस एक्सपीरियंस। एक्चुअल उनको ना शौक था ना मेहनत का शौक नहीं था। सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, जिसको भी मैं डाल रहा हूँ ना, आई एम सेइंग लुक यू आर नॉट अलाउड हैव एम्प्लॉइज, यू आर नॉट अलाउड हायर दोस्त यार, यू आर नॉट अलाउड हायर एनीबॉडी जो पहले आप हायर कर चुके हो इन अ फेल्ड बिजनेस, एंड दिस टाइम अराउंड यू हैव टू बिल्ड समथिंग जहाँ पे छोटा, जहाँ पे आप 100% हर चीज कर सकते हो। एंड कितनों को मैंने बोला समोसे बेचो, नाइक का काम करो, कार वॉश चलाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वे द इन्वेस्टमेंट इज वेरी लिटल लेकिन उसका सारा जो होता है हाथ का हुनर होता है, हाथ की मेहनत की होती है। सो यार ये बाइंग, लर्निंग यानी सेलिंग, कस्टमर इंटरेक्शन, सारा ओपनिंग क्लोजिंग सब जो है ना एक जगह पे, एक छोटी सी दुकान में, एक ढाबे में ये सब कुछ सीखे, ठीक है। बेशक चाय क्यों नहीं बेचे, दे हैव टू गेट चाय मजेदार होनी चाहिए, उसकी सफाई होनी चाहिए, गाहकों को सर्व करना, आई वांट देम ऑल, और ज्यादा दे दे एक आध उसके साथ बंदा हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। आई डू नॉट वांट के जी नवाब साहब बैठे हुए हैं, राइट, एंड आई विल ऑब्वियसली मैं आई हैव कम अप विद अ सीरीज ऑफ न्यू वीडियोस कि ये क्यों फेल हुई है, ये क्यों फेल हुई है, ये क्यों फेल हुई है। एंड अगर आप गौर करो द जिस्ट इज कि हमारे लोग मेहनत नहीं करना चाहते, दे जस्ट वॉन्ट टू बी इन्वेस्टर्स, एंड दैट्स रॉन्ग, क्योंकि हमारे में वी हैव थियोरेटिकल आइडियोलॉजी के जी हम यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, ये पढ़ेंगे तो ये बन जाएंगे, बट वी नेवर उतना हम तरजीह बिजनेस को नहीं देते। एंड सो अ लॉट ऑफ पीपल जो उन्होंने सेठ साहब देखे हैं ड्रामों में और मूवीज में, यही समझा कि जी यही बिजनेस मैनी होती है, दैट इज नॉट बिजनेस मैनी, ठीक है। सो ऑब्वियसली आई एम हियर टू चेंज इट। सो लेट्स रीकैप, हमारे लोग जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो डोंट जस्ट बी, हमारी इसलिए फेल हो रही है क्योंकि फन्ने खान साहब बन रहे हैं, स्टॉप बीइंग फन्ने खान, गौर करके दिमाग करके ठीक 1% 2% वही यार जब 20-30% डाल रहे हो स्प्रेड इट एंड मेक श्योर कि अगला बंदा चलाने वाला भी है कि नहीं उसको, ठीक है जी। दैट्स इट, ऑब्वियसली किसी ना किसी के बंदे के तो काम आएगी ये जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे ये सोच। सो दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट टू ट्रांसफर इट टू यू थोड़ा सा नॉलेज। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम आजाद चायवाला, यहाँ पे business.com कहने वाला था यार, चायवाला.com है, यहाँ पे आइए एंड टॉक टू अदर बिजनेस पीपल लाइक माइंडेड जिनसे आप बातचीत कर सकते हो एंड ग्रो योर बिजनेस, ग्रो योर सेल्फ इन द बिजनेस वर्ल्ड। एंड अगर बिजनेस, अगर आपको इन्वेस्टमेंट लेनी भी है किसी से तो प्लीज मेजॉरिटी जो शेयर है ना अपने पास रखिएगा। ये 50-50% वाला यार आज तक मैंने वेस्ट में नहीं देखा, आज तक मैंने वेस्टर्न वर्ल्ड में 50-50 नहीं देखा। आई एम नॉट किडिंग यू, आई एम नॉट सीन 50-50। पाकिस्तान में जैसे कोई चीज होती है ना यार, किसी ने कुछ भी लगाना है तो 50-50। आई जस्ट डोंट गेट इट यार, 50-50 दो उंगलियां ये सब देख लो यार, दे नॉट बराबर, एक बंदे में ज्यादा भूख है, एक में कम है। आई एम ऑलवेज अ पैसिव इन्वेस्टर, ठीक है, मेरी एडवाइस होती है, मेरा पैसा होता है, दैट्स इट। मैं डायरेक्शन दिखा सकता हूँ, मैं आपको मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, आई कैन डू आपकी वो सिनर्जी पैदा कर सकता हूँ यार, वो दूध मेरा जानने वाला बेचता है, आप कुल्फी लेते हो, लेट्स डू दैट, यू नो, एक दूसरे से ले लो, ये भी मेरा बिजनेस है, वो भी मेरा बिजनेस है, यानी हिस्सा डाला हुआ है। बट एंड आई लव पेपर वर्क, हर बंदे के साथ अगर मैं कुछ सीरियसली इन्वेस्टमेंट करता हूँ आई डू पेपर वर्क, ओके जी, एंड अगेन पाकिस्तान में पेपर वर्क नहीं होता, बट आई वो भी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा हाउ टू पेपर वर्क, ऐसे मैं एक सैंपल दूंगा जिसमें आपको सिर्फ अपने नाम पुर करने, हिस्से पुर करने, एंड दैट विल मेक योर लाइफ अ लॉट इजियर। एनीवे टिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिएगा, वंस अगेन मैं आजाद चायवाला, एंड अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया फॉर एक्चुअली वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो मुझे एक वजह देने दीजिए क्यों आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आप गुलामी से देखो अब तक, हमने पॉलिटिशियंस को सिर्फ बुरे अल्फाजों से याद किया, हम गद्दार, गद्दार, खुदगर्ज, चोरी बोले उनको, वी नेवर सेड एनीथिंग टू द मीठा, बिकॉज अगर आप देखो हमारे आगे पीछे स्कूल्स देखो, अच्छे स्कूल्स हमें तब मिले बिकॉज बिजनेसमैन ने हमें दिए, उनको लालच था कि हमने पैसा कमाना है, अच्छे स्कूल देने पड़ेंगे, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, हमें अच्छा मीडिया, हमें अच्छे मॉल्स, दुकानें, एक्सेट्रा, सड़कें, सब कुछ बिजनेसमैनों की वजह से मिले, बिकॉज कोई ना कोई बंदा था उसके पीछे जिसको खुद लालच था कि उसने अमीर होना है और उसने हमें सहूलतें देनी है, एंड दैट्स हाउ
वी विल सक्सीड आगे जाते हुए, वी कैन नॉट रिलाई ऑन पॉलिटिशियंस. सो मेरी क्या मिशन है, मेरी मिशन है कि पाकिस्तान के सोए हुए जो एंटरप्रेनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको हौसला अफजाई उनको करनी, उनको जगाना. उनमें से तकरीबन 1 मिलियन को मिलियनेयर मैंने जो है ना, यानी 1 अरब को मैंने अरबपति बनाना है, एंड दैट इज माई लाइफ मिशन. सो दैट्स व्हाई यू शुड सब्सक्राइब. अगर आपको सीखना है, अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आप तंग आए हो अपने हालात से, अगर आप डिग्री फजूल लेके फंसे हुए हो, then you need to become an entrepreneur. अपने हालात खुद बदलने पड़ेंगे. Become a millionaire, become a businessman. जब आप millionaire बनोगे, इंशाल्लाह आप आगे अपने हालात खुद ठीक कर दोगे. Then you'll get every facility that you want. अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे घर. You'll be able to pay for any medication, अंदर बाहर जहाँ भी आप चाहते हो. अपने हालात बदलोगे, then ज़ाहिर आपने साथ अपने पैसे तो कवर में लेके नहीं जाने. You will spread it to the people around you. And अगर मैं कर सकता हूँ ऐसा, then I will absolutely try. इसलिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए मेरे चैनल को. ठीक है जी, मैं हूँ ज़ाहिर चायवाला. थैंक्स अगेन. अस्सलाम वालेकुम.